काफ़ी टाइम के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और होपफुली हम अपनी गेम से आप सबको इम्प्रेस करेंगे। बिल्कुल हमारी काफ़ी अच्छी प्रेशन चल रही है और एशियन गेम में भी काफ़ी अच्छी तैयारी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जाने से पहले हम बोले कि नहीं ये चीज़ मिस था। और आपके क्वेश्चन का कि हाँ आपने पूछा सेमीफाइनल लूज किया, डेफिनेटली हमें पता है कि वो मैच हम अच्छा नहीं खेले थे। ओपोनेंट कैसा खेला वो सेकेंडरी है, बट हम खुद 18 मेंबर्स अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस से हैप्पी नहीं थे। बट हर चीज़ सीखने के लिए होती है और स्पोर्ट्स में हार जीत दोनों ही चीज़ें, कोई भी चीज़ को आप कंफर्म लेके नहीं चल सकते हो। समटाइम्स बहुत अच्छा खेल के भी वो रिजल्ट नहीं मिलता और अभी पूरी टीम काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और एक यही है कि हमें मैच बाय मैच जाना है। खाली चाइना नहीं है, फर्स्ट मैच हमारा थाईलैंड के साथ है, देन मलेशिया के साथ है, तो हर एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टार्टिंग में बोला वही कि इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है और झारखंड में हमें पता है कि यहाँ की ऑडियंस कितना सपोर्ट करती है, कितना सब कुछ है, तो हमारे लिए भी एक नई चीज़ है, चैलेंज है। बट उसके साथ साथ हमें खुद की गेम पे फोकस रखना है कि हम कैसे एज ए टीम इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि 18 प्लेयर्स टीम में हैं तो वो इंडियन टीम है। और जब मैं एयरपोर्ट पे भी आई थी तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड से कितने प्लेयर हैं, तो वो तो आप सबको ज़्यादा पता होना चाहिए। हमारे लिए सब प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप 4 प्लेयर का नाम ले रहे हो तो वही जरूरी है। बट हाँ नीकी अपने आप में एक बहुत बेस्ट डिफेंडर है, संगीता है अच्छी प्लेयर है, देन सलीमा है अच्छी है, ब्यूटी है। हमें आज वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही है बट बहुत अच्छी प्लेयर है, बट उसका नी इंजरी की वजह से थोड़ा टाइम बीच में नहीं खेल पाई। हर एक प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो टीम में है वो सब अच्छे हैं। इस टीम से चुनौती आप मानती हैं? हमारे लिए सब मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंडिया जब भी एशियन टूर्नामेंट होते हैं चारों टीम एक जैसी है कि चाहे कोरिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, हमेशा काफ़ी क्लोज मैच रहते हैं। बट उससे पहले हमारा मैच थाईलैंड और मलेशिया से है, तो हमारे लिए वो मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेफिनेटली इंटरनेशनल टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर झारखंड में खेल रहे हैं, बट डोमेस्टिक काफ़ी खेले हैं और मैंने 2011 में नेशनल गेम खेला था, तब से मुझे पता है कि यहाँ पर हॉकी का लोगों में कितना क्रेज है, कितना सपोर्ट करते हैं, तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में जो भी है बहुत कम पर हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए विमेंस को लेकर, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और झारखंड जैसे अगर स्टेट में किया जा रहा है और वहाँ लोगों को इतनी सपोर्ट मिल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।